आज हम बनाएंगे वाइट चिकन कढ़ाई, बिल्कुल रेस्टोरेंट के स्टाइल में। इसके लिए हमें चाहिए जिंजर और गार्लिक की पेस्ट, एक कड़ी पत्ता, एक सिनेमन स्टिक और 3 से 4 इलायची। फिर हमें चाहिए फ्रेश क्रीम, योगर्ट, ग्रीन चिलीज और 3 से 4 काजू। स्पाइसेस में हमें चाहिए सॉल्ट, ब्लैक पेपर, गरम मसाला और कोरिएंडर पाउडर। और आखिर में हमें चाहिए 500 ग्राम चिकन। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। इसे थोड़ा गरम करेंगे और फिर हम अपना कड़ी पत्ता और सिनेमन स्टिक इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, इसे लाइट ब्राउन करेंगे। फिर इसमें हम दही ऐड करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। और अब हम इसमें अपनी स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें हम नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें अपनी गार्लिक और जिंजर पेस्ट डाल देंगे। और
फिर इसमें हम अपनी हरी मिर्च और काजू का पेस्ट बना कर डालेंगे। और आखिर में हम इसमें अपनी क्रीम डाल देंगे। तीन से चार मिनट के लिए हम इसे दम पे रख देंगे और हमारी मज़ेदार चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। और हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें और हमें फीडबैक दें और हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली डिश कौन सी होनी चाहिए।